अडर्टी बेडेड फेस वॉज लुकिंग आउट एट हिम फ्राम बिहाइंड अ पाइल ऑफ क्रेट्स एक गंदा दाढ़ी वाला चेहरा क्रेट के ढेर के पीछे से उसकी तरफ देख रहा था द माउस वॉज ओपन इन अ वाइट ग्रीन उसका मुंह एक बड़ी मुस्कुराहट या एक खिसियानी हंसी से खुला हुआ था हेलो सेट साजिद हु आर यू? साजिद ने डरते हुए कहा आप कौन हैं द मैन स्टेप आउट फ्रॉम बिहाइंड crates एंड confronted द बॉय वो आदमी क्रेट्स के पीछे से बाहर आया और लड़के के सामने आया आई हैव वन ऑफ those टू मैं भी उनमें से एक लूँगा। ही said, पॉइस टू द एप्पल उसने सेब की तरफ इशारा करते हुए कहा साजिद गेव द मैन an एप्पल साजिद ने उस आदमी को एक सेब दिया एंड his ground while द carriage rocked ऑन द रेल्स और अपनी जगह पर खड़ा हुआ जबकि गाड़ी पटरियों पर चल रही थी द मैन टुक अ स्टेप फॉरवर्ड आदमी ने एक कदम आगे लिया लॉस्ट इज बैलेंस अपना तोन खोया एंड सैट डाउन ऑन द फ्लोर और ज़मीन पर या फर्श पर बैठ गया एंड वेयर आर यू गोइंग फ्रेंड और तुम कहाँ जा रहे हो दोस्त ही आस्ट उसने पूछा हैव यू आर टिकट क्या तुम एक टिकट रखते हो नो no, सर साजिद नहीं साजिद ने कहा हैव यू क्या आप रखते हैं The man pulled at his beard and mused upon the question, but did not answer it. आदमी ने अपनी दाढ़ी को खींचा और उसके सवाल पर हंसते हुए या उसके सवाल को इंजॉय किया लेकिन जवाब ना दिया He took a bite from the apple and said, उसने सेब से एक बाइट ली और कहा No, I don't have a ticket. मैं टिकट नहीं रखता But I usually reserve this compartment for myself. लेकिन मैं आम तौर पर यह खाना ये कंपार्टमेंट अपने लिए रिजर्व रखता हूँ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव हैड कंपनी ये पहली दफ़ा है कि मैं एक कंपनी रखता हूँ वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रहे हो आई आर यू आर हिपी लाइक मी क्या तुम मेरी तरह एक हिपी हो आई डोंट नो मैं नहीं जानता सर साजिद साजिद ने कहा वेयर इज द ट्रेन गो ये ट्रेन कहाँ जाती है दिस का बी टिकट लेस ट्रेवलर लुकड कंसर्न फॉर अ मोमेंट एंड सैट एक लम्हे के लिए वो स्क्रबी टिकटलेस ट्रैवलर परेशान दिखाई दिया और कहा वेयर डू यू वॉन्ट टू गो तुम कहाँ जाना चाहते हो आई वॉन्ट टू गो एवरीवेयर मैं हर जगह जाना चाहता हूँ सेट साजिद साजिद ने कहा आई वॉन्ट टू गो टू इंग्लैंड एंड चाइना एंड अफ्रीका एंड ग्रीन लैंड मैं इंग्लैंड और चाइना और अफ्रीका और ग्रीन लैंड जाना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं पूरी दुनिया में जाना चाहता हूँ देन यू आर ऑन द राइट ट्रेन फिर तुम ठीक ट्रेन पर हो सेट द मैन उस आदमी ने कहा दिस ट्रेन गोज़ एवरीवेयर यह ट्रेन हर जगह जाती है फर्स्ट इट विल टेक यू टू द सी पहले ये तुम्हें समंदर पर ले जाएगी एंड देयर यू विल हैव टू गेट ऑन अ शिप इफ़ यू वांट टू गो टू चाइना और वहाँ से तुम्हें एक शिप पर बैठना होगा अगर तुम्हें चाइना जाना है हाउ डू आई गेट ऑन अ शिप मैं शिप पर कैसे जाऊँगा आस्ट साजिद साजिद ने पूछा कैन यू कुक क्या तुम पका सकते हो ही आस्ट उसने पूछा यस yes, जी हाँ साजिद सच अन ट्रूथफुली साजिद ने झूठ बोलते हुए कहा कैन यू स्क्रब अ डेक क्या तुम एक डेक को साफ कर सकते हो वाई नॉट क्यों नहीं कैन यू सेल अ शिप क्या आप शिप सेल कर सकते हैं आई कैन सेल एनी थिंग मैं किसी भी चीज को सेल कर सकता हूँ देन विल गेट टू चाइना फिर तुम चाइना चले जाओगे सेट द मैन उस आदमी ने कहा साजिद फिनिशेज एप्पल साजिद ने अपना सेब खत्म किया टुक एन अदर फ्रॉम द क्रेट क्रेट से एक और लिया एंड टग हिस्टिथ इन टू इट और अपने दांत उसमें गाड़े हिटुक एम विद द कोर ऑफ द ओल्ड एपल एंड ट्राई टू हिट अ टेलीग्राफ पोल उसने पुराने एप्पल के कोल से निशाना लिया और टेलीग्राफ पोल को हिट करने की कोशिश की बट मिस हिट बाय मीटर्स लेकिन उसे कई मीटर से मिस कर दिया इट वॉज इन द सेम एस थ्रोइिंग अ क्रिकेट बॉल ये एक क्रिकेट बॉल फेंकने की तरह नहीं था देन टू मेक द एप्पल मोर इंटरेस्टिंग सेब को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही बिगेन टू टेक बिग बाइट्स टू सी इफ़ यू कुड एवर डिवोर इट इन थ्री माउथफल्स उसने बड़े बाइट्स लेने शुरू कर दिए यह देखने के लिए कि अगर वो तीन दफ़ा में या तीन दफ़ा मुंह भर कर खाने से उसे ख़त्म कर सकता था बट इट टूक हेम फोर पाइट्स टू फिनिश द एप्पल लेकिन सेब को ख़त्म करने के लिए उसे चार बैड्स लेना पड़े सो हिस्टार्ट एंड अदर सॉरी ऑन एंड अदर लिहाजा उसने एक दूसरा शुरू किया साजिद है तो ट्रेन साजिद हमेशा से एक ट्रेन में जाना चाहता था यह एक ट्रेन में होना चाहता था ए ट्रेन दैट वुड टेक हिम टू स्ट्रेंज न्यू प्लेसेस एक ट्रेन जो उसे अजीब नई जगहों पर ले जाए ओवर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स सैकड़ों और सैकड़ों किलोमीटर दूर एंड हियर वाज अ ट्रेन डूइंग जस्ट दैट और यहाँ एक ट्रेन थी जो ऐसा ही कर रही थी एंड ही वॉज एंड क्वाइट श्योर इफ इट वाज व्हाट ही रियली वांटेड और वो बिल्कुल श्योर नहीं था कि क्या यही वो चाहता था द ट्रेन वॉज कमिंग टू अ स्टेशन ट्रेन एक स्टेशन पर आ रही थी द इंजन विसल्ड इंजन ने सीटी बजाई स्लो डाउन आहिस्ता पटरियों की, की तादाद ज़्यादा हुई. Crossed, spread out in different directions, crossed और सिमतों में फैली हुई बिफोर द ट्रेन कम टू स्टॉप इससे पहले कि ट्रेन एक स्टॉप पर आती साजिद कंपेनियन केम टू तो द डोर साजिद का साथी दरवाजे तक आया एंड जम्प टू द ग्राउंड और ज़मीन पर जंप कर दिया यू विड बेटर कीप आउट ऑफ साइड इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बी कॉट अच्छा होगा अगर तुम इन नज़रों से इनकी नज़रों से दूर रहो अगर तुम पकड़े नहीं जाना चाहते ही वॉन्ट उसने तनबी की एंड वेविंग हिज हैंड और अपना हाथ लहराते हुए ही डिसअपेयर इन टू द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स वो रेलवे ट्रैक्स के पार जंगल में गायब हो गया द ट्रेन वॉज एट साइडिंग ट्रेन एक साइड पर रुकी थी एंड साजिद कुड़ नॉट सी एनी साइंस ऑफ लाइफ और साजिद जिंदगी के कोई निशान ना देख सकता था बट ही हर्ड वॉइस लेकिन उसने आवाज़ें सुनी एंड द साउंड ऑफ कैरिज डोर्स बीग ओपन एंड क्लोज और गाड़ी के दरवाज़ों की आवाज़ खुलते और बंद होने की ही सस्पेक्टेड डेट द एपल्स वुड नॉट स्टे इन द कंपार्टमेंट मच लॉन्गर उसने अंदाज़ा लगाया कि एप्पल्स इस खाने में ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे सो ही स्टफ्ड वन इनटू ईच पॉकेट लिहाजा उसने एक एप्पल हर पॉकेट में भर लिया एंड क्लाइंब ऑन टू द वुडन रैक इन अ कॉर्नर और कॉर्नर में लकड़ी के रैक पर चढ़ गया प्रेजेंटली मैं वॉइस हर्ड इन द डॉर वे फिलहाल आदमियों की आवाज़ें दरवाजे पर सुनाई दी टू लेबर्स स्टेप इन टू द कंपार्टमेंट एंड बिगिन मूविंग द क्रेट्स वर्ड द डोर दो मजदूर कंपार्टमेंट में दाखिल हुए और ट्रेड्स को दरवाजे की तरफ मूव करना शुरू किया वेयर टेकन ओवर बाय अदर्स जहाँ से वो दूसरों की मदद से या दूसरों के जरिए ले जाए जा रहे थे सोन द कंपार्टमेंट फर्स्ट एम्प्टी जल्द ही खाना खाली हो गया साजिद वेटेड इट द मैन हैड गॉन अवे बिफोर कमिंग डाउन फ्रॉम द रैक साजिद ने रैक से नीचे आने से पहले आदमियों के जाने का इंतजार किया आफ्टर अबाउट फाइव मिनट्स द ट्रेन started अगेन तकरीबन पाँच मिनटों के बाद ट्रेन दोबारा शुरू हो गई या चल पड़ी it shunted अप एंड डाउन ये ऊपर और नीचे ही ली then Gathered कैदर स्पीड एंड वेंट रशिंग अक्रॉस द प्लेन फिर स्पीड पकड़ी और जमीन पर तेजी से चलने लगी साजिद फेल्ट अ थ्रिल ऑफ एंटिसपेशन साजिद ने फिक्र महसूस की वेयर वुड they बी गोइंग नाउ ये अब कहाँ जाने वाले थे ही वॉन्ट वट हीज पेरेंट्स वुड डू उसने सोचा कि उसके वालदेन क्या करेंगे वेन ही फेल टू कम होम देट नाइट जब वो उस रात घर वापस ना जा पाएगा या नहीं जाएगा दे विंक ही हैड रन अवे और बीन किडनेप वो ये सोचेंगे कि वो भाग गया या अगवा हो गया और बीन इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट या एक हादसे का शिकार हो गया दे वुड हैव द पुलिस आउट वो पुलिस बुलाएंगे एंड देर वुड बी सर्च पार्टीज और वहाँ सर्च पार्टीज होंगी साजिद वुड बी फेमस साजिद मशहूर हो जाएगा द बॉय हुयर एक लड़का जो गायब हो गया द ट्रेन केम आउट ऑफ द जंगल ट्रेन जंगल से बाहर आई एंड पास फील्ड ऑफ शुगर केन एंड विलेज ऑफ मट हर्ट और गन्ने के खेतों से गुजरी और मट्टी की झोंपड़ियों के गाँव से चिल्ड्रेन शाव ट बच्चे चिल्लाए एंड वेव टू द ट्रेन और ट्रेन को वेव किया दो देर वॉज़ नो वन इन इट एक्सेप्ट साजिद अगरचे वहाँ या उसमें कोई ना था सिवाय साजिद के द गार्ड एंड इंजन ड्राइवर गार्ड और इंजन ड्राइवर के साजिद वेव बैग साजिद ने वापस हाथ हिलाया वॉज़ इन अ फील्ड आम तौर पर वो खेत में हुआ करता था वेविंग हाथ हिलाते हुए टुडे आज ही वॉज एक्चुअली ऑन द ट्रेन वो दर हकीकत ट्रेन में था ही वॉज बिगनिंग टू इंजॉय द राइड उसने सवारी को इंजॉय करना शुरू किया था या वो शुरू कर रहा था द ट्रेन वुड टेक हिम टू द सी ये ट्रेन उसे समंदर तक ले जाएगी देयर वुड बी शिप्स विद फनल एंड शिप्स विद सेल्स वहाँ फनल्स और बाद के साथ शिप्स होंगी एंड देयर माइट इवन बी वॉन्ट टू टेक हिम अक्रॉस द ओशन और वहाँ शायद एक ऐसी भी हो जो उसे समंदर के पार ले जाए